दिखा लेती हूँ मैं क्या स्टोरी किया है। फिर मैंने सोचा अरे मैं दिखाऊंगी कि मैंने क्या स्टोरी किया है, फिर तो मैं बिल्कुल नहीं यहाँ से निकल सकती। उसके बाद मैंने एक गेट घंटे बैठा के रखा और अंत में मुझसे कहा, अरे आप ब्राह्मण औरत है तो कुछ गलत नहीं करेंगे, और ये कह के उन्होंने मुझे छोड़ा। जब स्टोरी पब्लिश हो गई तो उसके बाद, क्योंकि मैं आउटलुक की एम्प्लॉय नहीं थी, मैं इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थी, यहाँ पे ये भी बहुत सारा रूल है कि इंडिया में आप अगर किसी भी संस्था के लिए लिखें आपको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है। आप बस आपने आपकी बोलचाल हो गई, फोन पर आपने बात कर ली या मेल एक्सचेंज कर ली, बस हो गया। तो आप अभी कोई प्रूव नहीं कर सकते हैं कि आप हो। तो जब स्टोरी फायर को 28 तारीख को स्टोरी आई, 28 जुलाई को 6 तारीख को FIR दर्ज हो गई, जहाँ पे उन्होंने एक भी साथ काउंटर नहीं किया, मगर आखिरी पैराग्राफ उठा के कह दिया कि ये पैराग्राफ इज इंसाइटिंग कम्युनल हेट्रेड। तो ये केस उन्होंने मेरे खिलाफ फाइल किया, आउटलुक के एडिटर कृष्ण प्रसाद के खिलाफ फाइल किया और पब्लिशर के पास फाइल किया। उसके बाद ये क्या कहानी है पिछले 2 साल से, एडिटर को उन्होंने अचानक से हटा दिया, चेंज हो गया एडिटर, और पिछले 2 साल से ना मेरा कोई फोन उठाता है, ना मुझे बताता है कि कोर्ट की नोटिस आई है कि नहीं आई है, कोर्ट से समन आया है कि नहीं आया है, और जो संस्थान ने वो और स्टोरी पब्लिश करी उसका अब ये रवैया है कि वो, क्योंकि मैं फ्रीलांसर हूँ या एम्प्लॉय नहीं हूँ, तो मुझे ये भी जानने का हक नहीं है कि क्या कोर्ट ने मुझे समन इशू किया है और क्या कर मुझे गुवाहाटी में जहाँ केस लिखाया गया है वहाँ जाने की जरूरत है कि नहीं। दूसरी बात, हम लोग को कभी भी एडवांस नहीं मिलता है पैसों के लिए, हम अपने किसी तरह से निकाल के लेते जाते हैं। आफ्टर द स्टोरी वॉज पब्लिश्ड एंड आई आस्क फॉर द पेमेंट ऑफ द स्टोरी, आई वॉज टोल्ड देर इज नो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट टू पे यू। सो कवर स्टोरी छप गई है 16 पन्ने की, 10,000 वर्ड की, मगर देर इज नो डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट टू पे यू। अब आई एम जस्ट सेइंग व्हाई आई एम गिविंग यू दिस एग्जांपल इज बिकॉज देर आर हूट की रिपोर्ट आई थी पिछले साल 2017 में मई में, उसमें ये कहा गया था स्टेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स ने ये पार्लियामेंट में ये भी बताया था कि 154 जर्नलिस्ट पर अटैक हो चुका है 2014-2015 के बीच में, और उसके बाद 54 उसमें और नंबर बढ़ गए थे। हूट की रिपोर्ट में ये भी लिखा गया था कि जो लोग जमीन में